वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ इन सोशल स्टडी क्लास. टुडे वी विल कंप्लीट द रेस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर वन द बायोस्फीयर. द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. जो नैरो जोन है जहाँ लैंड धरती वाटर पानी और एयर जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. इस बायोस्फीयर में ही सारी लिविंग थिंग्स हो रहती हैं. इट इज़ दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्री एनिमल्स एंड ह्यूमंस. दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. कहते हैं जो बायोस्फीयर है इसमें जो सारी लिविंग थिंग्स हैं वो धरती पर रहती हैं. ये जो चीज़ें हैं मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लैंड वाटर और एयर एक दूसरे में कॉन्टैक्ट में होते हैं यहाँ, और इन्हीं की वजह से ये लिविंग चीज़ें जो हैं ये धरती पर रहती हैं, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. और ये जो कंडीशंस हैं ये धरती को एक यूनिक प्लेनेट बनाती हैं. इसमें लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो भी आते हैं इसमें, बड़े बड़े पेड़ पौधे जानवर और इंसान भी. दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ये जो जिंदगी की बहुत बड़ी वैरायटी है धरती पर इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इन टू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. जो ये ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के इसको हम मतलब दो भागों में बांटते हैं. वो कौन कौन से हैं? प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. अब यहाँ मैं बताऊँगी आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं. ये नेचुरल हैं और ये नीचे की तरफ मैन मेड है. नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बायोस्फीयर है, लैंड है मतलब लिथोस्फीयर, एयर एटमोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर. नीचे है मैन मेड. मैन मेड में क्या क्या आता है? मैन ने क्या क्या बनाया है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स. अब हियर इज इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द एनवायरनमेंट एंड ईच अदर. जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी इंट्रैक्शन होती है, उनकी एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ और एक दूसरे के साथ भी, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ स्केल्स. एन एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल स्केल इकोसिस्टम इज ए पॉन्ड. एन मीडियम स्केल इकोसिस्टम कुड बी ए फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या है? जिसमें सारी चीज़ें जैसे प्लांट और एनिमल्स एक साथ रहते हैं, ठीक है. उनकी इंट्रैक्शन किससे होती है? एनवायरनमेंट से भी होती है और आपस में भी होती है. जो इकोसिस्टम की सबसे छोटी उदाहरण है वो है पॉन्ड मतलब तालाब. जो बीच की है ना छोटी ना बड़ी है वो है फॉरेस्ट. और सबसे बड़ी वाली क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देयर इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. प्लांट्स ग्रो ड्यू टू द सोलर एनर्जी. दीज प्लांट्स आर ईटन बाई गॉड. गॉड्स गिव मिल्क विच इज़ फर्दर पास्ड टू ह्यूमन बींग्स. दिस चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज फूड चेन. सम फूड चेन इज द सिक्वेंस ऑफ इवेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म ईट्स एनदर. जैसे मैं कह रही हूँ कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर एक से दूसरे तक होता रहता है. हम चलो कह रहे हैं इसको एक उदाहरण से समझाते हैं. जो सूरज है वो मेन सोर्स है एनर्जी का. जो प्लांट्स हैं वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं किससे? एनर्जी लेके सूरज से. फिर उन प्लांट्स को कौन खा जाता है? बकरी खा जाती है. उस बकरी का दूध जो है वो कौन ले जा मतलब किसे मिलता है? वो इंसान के काम आता है. तो ये एक टाइप की फूड चेन होगी. मतलब सूरज से एनर्जी ली पौधे ने, पौधे को खाया गॉट ने, गॉट को मतलब खा भी लेते हैं इंसान और उसका दूध भी यूज़ करते हैं. तो ये एक टाइप की
फूड चेन चलती रहती है, इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और इसे हम फूड चेन भी कहते हैं। द वर्ल्ड हैज़ मैनी इकोसिस्टम, जो दुनिया है इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ईच वन हैज़ इट्स ओन क्लाइमेट, सॉयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट वेरी फ्यू इकोसिस्टम्स आर नेचुरल। टूडे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मोर इकोसिस्टम्स आर अंडर थ्रेट दैन एवर बिफोर एंड नीड प्रोटेक्शन। कह रहे हैं जो ये धरती है, जो ये दुनिया है, इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। ये इकोसिस्टम्स नेचुरल भी हो सकते हैं और इंसान के बनाए हुए भी हो सकते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो आपका क्लाइमेट आता है, धरती आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। अब जो इंसान ने इकोसिस्टम बनाए हैं वो उसने अपनी क्रियाओं के द्वारा बनाए हैं, और हमेशा ही इंसान ने क्या किया है, ज़्यादातर इंसान प्रकृति का नुकसान करके अपना फ़ायदा बनाता है। तो जिसके लिए जो नेचुरल इकोसिस्टम है इनकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टर्न द पेज। द ह्यूमन एनवायरनमेंट, द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। द अर्लियर मैन हैबिटेंट was his natural surroundings. He adapted himself to the natural environment and most of his needs were met by his immediate environment. कहते हैं कि जो most important part होता है environment का वो कौन है, इंसान है, human beings है। दे मतलब जो है वो interact करते हैं environment के साथ भी, और अपने आप की अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस एनवायरनमेंट को चेंज भी करते रहते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसे मॉडिफाई कर लेते हैं, नया कर लेते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं। द अर्ली मैन मतलब जो पहले इंसान था उसका हैबिटेट क्या था, वो कहाँ रहता था, ज़्यादातर वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता था, जहाँ कि मतलब प्राकृतिक तौर पे ही, जैसे वो जंगलों में रहता था तो वो उसके आसपास जो है सराउंडिंग है वो नेचुरल थी। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया है कि मतलब खुद की सराउंडिंग बनाना शुरू कर दी है। ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मोस्ट ऑफ हिज नीड्स वर मेट बाय हिज इमीडिएट एनवायरनमेंट। वो अपने आप को, उसने पहले तो जो शुरुआती एयर थे उसने उसको अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा और जो उसकी ज़रूरतें थी उसी नेचुरल एनवायरनमेंट से ही पूरी हो जाती थी। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एज स्टार्टेड अवर अर्ली ह्यूमन adjusted themselves with the surroundings in which they lived. Most of their needs were fulfilled from the environmental resources. With time, the quality and quantity of human needs changed. They started developing techniques and new ways to use the environment. अब जो है शुरुआती years में तो जो इंसान है वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता था और उसकी ज़रूरतें वहीं से पूरी हो जाती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी जो ज़रूरतें हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज आते गए हैं, इसीलिए उसने नई नई तकनीकें ढूंढ ली हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की। अब वो जो एनवायरनमेंट है उसको नए तरीके से यूज़ करता है। द अर्ली मैन domesticated animals and started growing crops to meet his needs. This helped him to lead a settled life. Thus, man settlements grew in the river valley where the land was fertile and the water was readily available. कहते शुरू में जो इंसान था उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवरों को पालना शुरू किया और फसलों को उगाना शुरू किया, इससे उसको एक सेटल्ड लाइफ मिल गई। मतलब वो जैसे पहले वो था फूड गैदर था, मतलब इधर उधर घूम के भोजन को इकट्ठा करता था, अब उसने सेटल्ड लाइफ ढूंढ ली, एक ही जगह पे रह के जानवरों को पालना शुरू किया और साथ में ही फसलें उगानी शुरू की। ये इसने ये काम कहाँ किया, मतलब रिवर्स के किनारे पर, रिवर्स वैली में। और वहाँ क्यों किया इसने, क्योंकि वहाँ ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ होती है और पानी भी उपलब्ध होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम ह्यूमन स्टार्टेड चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेजेस। विद द हेल्प ऑफ वेरियड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज टू लिव इन। दे डिस्कवर्ड मिनरल्स एंड इन्वेंटेड machines. The growing population and increasing demands for goods resulted in rapid industrialization and mass production.
जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंसान का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे उसने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और नई नई तकनीकें ढूंढनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी और फिर मिनरल्स को इन्वेंट किया, मिनरल्स को ढूंढ लिया और मशीनों को इन्वेंट कर लिया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इन चीज़ों की डिमांड भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी और उनमें प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी। ह्यूमंस आर कॉन्टीन्यूसली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेड द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नेवर एंडिंग रिक्वायरमेंट्स। दिस इज़ लीडिंग टू एनवायरनमेंटल डिग्रेशंस। इंसान ने लगातार जो है और लगातार जो है एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयट करता गया, शोषण करता गया अपनी ज़रूरतों को, जो ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये इसका क्या कारण हुआ, एनवायरनमेंट डिग्रेशन शुरू हो गया, जैसे कि एनवायरनमेंट का डिग्रेशन शुरू हो गया। एनवायरनमेंटल डिग्रेशन अकर्स व्हेन एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट रिजल्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। एनवायरनमेंटल डिग्रेशन कैन ऑकर बाय नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एनवायरनमेंटल जो डिग्रेशन है वो कैसे शुरू हुआ, ये जो इंसान ने इतनी सारी एनवायरनमेंट को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, या तो ये उससे हुआ या फिर नेचुरल प्रोसेस से हुआ। जैसे कि बहुत सारे नेचुरल, जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो भी नेचुरल डिग्रेशन होता है, या तो इंसान ने किया या फिर नेचर ने किया या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हुआ। सम ऑफ द कॉज ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेशंस आर, अब कुछ कारण हैं एनवायरनमेंटल डिग्रेशन के, वो कौन कौन से हैं। नंबर वन, नेचुरल हजार्ड्स, दे इंक्लूड वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। अब नेचुरल हजार्ड्स कौन से हैं, जो आपका वोल्केनिक होता है, वोल्केनो कौन क्या होता है, जो वोल्केनो होते हैं जो ज्वालामुखी होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं जो आपके भूकंप आते हैं, और साइक्लोन्स होते हैं जो मतलब पानी में भूकंप होते हैं आपके, फ्लड्स जो आपका बाढ़ होती है, और ड्रॉट्स होते हैं जो सूखा पड़ जाता है आपका। ह्यूमंस इंडिसेडेड हजार्ड्स, जो इंसान ने ह्यूमन इंड्यूस्ड हजार्ड्स कौन से होते हैं, दे इंक्लूड्स रिलीज ऑफ केमिकल्स, फॉरेस्ट फायर्स, populations, explosions, pollutions of land, water and air, etc. ये जो human induced hazards होते हैं वो उसमें chemical का release हो जाना, forest में आग लग जाना, मतलब forest मतलब जंगलों में आग लग जाना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना, धरती को pollute कर देना, और पानी और एयर को भी पोल्यूट कर देना, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, ह्यूमंस नीड्स आल्सो इंक्रीज्ड एंड पीपल स्टार्टेड टू एक्सपेंड द लैंड फॉर देयर यूज़। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, और वो क्या करते हैं, इस लैंड को जो यूज़ है उसका बढ़ता चला जाता है। फॉरेस्ट वर क्लियर टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, न्यू टाउन्स अलॉन्ग विद इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड रेलवेज कम अप, एनिमल्स वर किल्ड फॉर फूड एंड अदर नीड्स। ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्पाइसिस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो फिर क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो धरती है उसका यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जंगलों को साफ करते चलते जाते हैं, मतलब काटते चले जाते हैं, किसके लिए, खेती करने के लिए, फिर टाउन बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज, रोड और रेलवे लाइन्स बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, एनिमल्स को, जानवरों को अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने खाने के लिए या कोई और ज़रूरत के लिए जानवरों को मारते हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इंसानों की, ये जो है नेचर पे, एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके उदाहरण ये है कि डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण जो जंगल है उनके कटाव के कारण बहुत सारी जानवरों की जो स्पाइसेस हैं, प्रजातियां हैं, वो और
पक्षियों की प्रजातियाँ वो ख़त्म होती जा रही हैं या फिर लुप्त होती जा रही हैं, जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। वाइल ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचर नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। जो इंसानों की ये क्रियाएँ हैं, इनका ज़्यादा क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एयर में है बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एयर में ज़्यादा बढ़ने से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और ये जो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को परफेक्ट रखने के लिए नेचर में और ह्यूमन एनवायरनमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अस टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दिस इज़ नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अदरवाइज वी विल बी फोर्स टू लिव विद इनफर्टाइल लैंड, पोल्यूटेड वाटर एंड एयर, लिटल फॉरेस्ट कवर, हॉस्टाइल क्लाइमेट, वैनिशिंग स्पाइसेस एंड टॉक्सिक फूड। कह रही हैं अगर हमने इसमें एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं बना के रखा तो ये क्या होगा, आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारा जो है आने वाली जनरेशन की कैसे जीना पड़ेगा, मतलब कि बिना उपजाऊ धरती के, गंदे पानी के साथ, गंदी हवा और बहुत कम जंगलों के साथ, और जिसके साथ कि क्लाइमेट भी बहुत बुरा हो जाएगा, और जो है कि जानवरों की स्पाइसेस हैं, प्रजातियां वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो आपका भोजन है वो भी जहरीला हो जाएगा। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू रीड होल चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।